दुचाकीवरून 7 लाखाच्या एमडीची तस्करी करणाऱ्या 3 आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाच्या पथकाने ही कारवाई केली. उमरेड मार्गावरील पवनपुत्र नगर येथील रहिवासी व सख्खे भाऊ रोहन सुरेश ढाकुलकर 28 वर्ष, शुभम सुरेश ढाकुलकर 31 वर्ष, तसेच वेदांत विकास ढाकुलकर 24 वर्ष, नेताजी मार्केट सीताबर्डी अशी आरोपींची नावे आहेत. हुडकेश्वर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पवनपुत्र नगर परिसरात दुचाकीवरून एमडी नेण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिसांना खबरांच्या माध्यमातून मिळाली होती. मंगळवारी सायंकाळी 7 वाजताच्या सुमारास पोलिसांनी सापळा रचून MH31 FE8427 या दुचाकीवर ट्रिपल सीट जाणाऱ्या आरोपींना थांबवले. त्यांची झडती घेतली असता डिक्कीत 71 किलो 11 ग्रॅम एमडी पावडर आढळली होती. त्या पावडरची किंमत 7,11,000 इतकी आहे. पोलिसांनी आरोपीकडून दुचाकी, वजन काटा व रोख 22,000 असा 8,45,000 मुद्देमाल जप्त केला आहे. आरोपींना विचारणा केली असता त्यांनी तरबेज आलम उर्फ टिपू उर्फ अफरोज आलम यांच्या मदतीने एमडीची खरेदी विक्री करत असल्याची माहिती दिली. तिघांविरोधातही हुडकेश्वर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला असून त्यांना तेथील पथकाच्या हवाली करण्यात आले. तरबेज आलमचा शोध पोलीस घेत आहे. जी, परसों हमको खबर मिली थी कि एक रोहन ढाकुलकर, उनका भाई शुभम ढाकुलकर और उनका चचेरा भाई वेदांत ढाकुलकर, ये तीनों मिलके एमडी की बिक्री करते हैं. उनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में एमडी उपलब्ध है और उनका घर जो है वो पवनपुत्र नगर हुडकेश्वर की हद में वहाँ पे है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. ये पता चलने पे हमने जो NDPS एक्ट की तरतूद है उसके हिसाब से पंचों को बुलाया, SCP सर की परमिशन ली और स्टेशन डायरी एंट्री वगैरह करके, एक्चुअली हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे उस दरमियान ये सारी चीज़ें पता चली थी, तो SCP सर की परमिशन लेके उनको बता के हमने वहाँ पे उस घर की झड़ती ली, तो उसमें हमको कुछ भी नहीं मिला. फिर पता चला कि वेदांत ढाकुलकर का घर बर्डी में है, तो वहाँ पे ये सारी सामग्री मिलने की संभावना है, तो बर्डी पे भी हमने वो सारी चीज़ें वहाँ पे झड़ती ली, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला. उसके बाद में जब हम वापस आ रहे थे तो हमें पता चला कि ये तीनों लोग अपनी गाड़ी, करिश्मा गाड़ी जो है वो पवनपुत्र नगर में उनका जो घर है उसके आसपास में ये कहीं पे मिलेंगी और गाड़ी में ये सारी सामग्री रखी हुई है. तो पंच और सबको लेके हम वहाँ पे गए, तो ये तीन लोग हमको मिले और पूरी जाँच करने के बाद उनके गाड़ी में हमको 71.11 ग्राम की जो है MD, जो 7,11,000 के आसपास बनती है, वो मिली है. उसके अलावा इन लोगों के मोबाइल जो 40,000 के आसपास उसकी कीमत है, और इनकी गाड़ी, और फिर इन्हीं के पास जो MD बेचने के लिए जिस तरीके से उनको गिनना पड़ता है तो उसकी वेइंग मशीन भी मिली है.